गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में वचन पाठ समझाऊंगी। वचन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। चित्र को ध्यान से देखें एवं समझें। दिए गए चिड़ियाघर के चित्र में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या अनेक। चित्र में हमें ये क्या क्या दिखाई दे रहा है? जिराफ, शेर, तालाब और अनेक क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही हैं? बत्तख, हाथी, हिरन और लोग जो कि तालाब के किनारे खड़े हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब है वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, तितली आदि। दूसरा है बहुवचन, जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कियां, तितलियां आदि। आओ कुछ शब्दों के एकवचन एवं बहुवचन रूप जानें। लड़की, लड़कियां, चारपाई, चारपाइयां, सेना, सेनाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, मिठाई, मिठाइयां, मछली, मछलियां, घोड़ा, घोड़े आदि। ये हैं आपके वचन। तो पाठ समझ में आया? वचन कितने होते हैं? अब मूल रूप से हमने पूरे पाठ में क्या सीखा उसकी फिर से एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने होते हैं? वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यह है आपका वचन पाठ।